हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने यूनिट 10 का चैप्टर है द ग्रास ओपर एंड द एंट्स, उसको हमने समझा। अभी हम उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज है वो करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड द ग्रास ओपर स्पेंड हिज टाइम। हाउ डिड यानी कि कैसे, ग्रास ओपर स्पेंड हिज डेज, पूरा दिन वो अपना कैसे बिताता था। तो इसका आंसर क्या आएगा, द ग्रास ओपर सेंग अ सॉन्ग एंड प्लेड इन द वॉर्म सनशाइन ऑल डे लॉन्ग। ग्रास ओपर क्या करता था, पूरा दिन गाना गाता था और जो धूप होती थी, गर्म धूप, उसमें वो पूरा दिन खेलता रहता था। सेकंड क्वेश्चन, डिड द ग्रास ओपर फाइंड फूड इन विंटर। डिड द ग्रास ओपर यानी कि क्या, ग्रास ओपर विंटर के लिए खाना ढूंढ सका। तो क्या आएगा, नो नो द ग्रास ओपर डिड नॉट फाइंड फूड इन विंटर, उसको विंटर में खाना मिला नहीं, वो नहीं ढूंढ सका। थर्ड क्वेश्चन, वॉट डिड द आंट टेल द ग्रास ओपर वेन ही आस्क्ड फॉर फूड। वॉट डिड द आंट टेल यानी कि चींटियों ने क्या बोला ग्रास ओपर को जब उसने खाने के लिए पूछा। तो इसका आंसर क्या आएगा, द आंट शूक इन एंगर, वो गुस्से में चिल्लाई एंड स्कॉल्डेड द ग्रास ओपर फॉर बीइंग लेजी, और उसको लेजी हो, वो लेजी था, उसके लिए वो उसको बहुत डांटी। और द समर एंड डूइंग एनी वर्क, आंट शूक इन एंगर एंड स्कोल्डेड द ग्रास ओपर फॉर बीइंग लेजी ऑल द समर एंड डूइंग एनी वर्क। वो उसके ऊपर चिल्लाई और उसको बोला कि तूने तो पूरे समर कुछ भी काम नहीं किया, बराबर लेजी होके बैठा रहा। तो ये इसका आंसर है। अभी हम नीचे देखते हैं, नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या है वो देखते हैं। लेट्स टॉक यानी कि बात करते हैं, तो उसमें भी क्वेश्चन आंसर्स है। तो देखते हैं क्या है, इफ यू वेर आस्क टू स्टोर थिंग्स फॉर द विंटर व्हाट वुड यू स्टोर, नेम एनी थ्री थिंग्स। अगर आपको पूछा जाए कि विंटर के लिए आपको कुछ जमा करना है, स्टोर करके रखना है, तो आप क्या करोगे, तो ऐसी तीन चीजों के नाम आपको बताने हैं। तो मैंने क्या स्टोर किया, देखो, I would store sweater, socks and cap for winter. मैंने विंटर के लिए स्वेटर, सॉक्स, गरम सॉक्स और कैप होती है ना हम जो ठंडियों में पहनते हैं, वो मैंने उसके विंटर के लिए स्टोर किया। सेकंड क्वेश्चन, विच सीजन डू यू लाइक द बेस्ट, आपको कौन सी सीजन सबसे ज्यादा पता है, अच्छी लगती है। तो मुझे तो विंटर लगती है, तो उसका आंसर मैंने क्या दिया, आई लाइक द विंटर सीजन द बेस्ट, मुझे वो सीजन बहुत अच्छी लगती है। टेल द क्लास द स्टोरी ऑफ द ग्रास ओपर एंड द आंट इन योर ओन लैंग्वेज। ग्रास ओपर और ये जो आंट की स्टोरी है वो हमें हमारी लैंग्वेज यानी कि गुजराती में हमें हमारे क्लास को बतानी है। अभी तो हम स्कूल आ नहीं रहे, तो ये वाली स्टोरी आप आपके घर में मम्मी पापा भाई बहन किसी को भी गुजराती में सुना सकते हो, बराबर। तो ये वाली स्टोरी मैंने आपको दो बार बोली है, तो आपको जितना याद रहा है उतना आपको घर पे अपने मम्मी पापा दादा दादी जो भी हो उनको ये वाली स्टोरी आपको बतानी है। चलो नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, वर्ड बिल्डिंग। क्या करना है, सर्कल द वर्ड्स दैट मीन द सेम। यहाँ पे तीन वर्ड्स दिए हैं एक लाइन में, उनमें जो दो स्पेलिंग है उनका मीनिंग सेम होता है, उसके हमें उसके ऊपर हमें सर्कल करना है। तो पहला क्या है, स्पीक यानी कि बोलना, टॉक मीन्स बातें करना और शाउट मीन्स चिल्लाना। तो ये स्पीक और टॉक वर्ड है, उसका मीनिंग सेम होता है, तो उसके ऊपर सर्कल करना है हमको। कंप्लीट यानी पूरा होना, फिनिश का मतलब भी पूरा होना और स्टार्ट का मीन्स शुरू करना। तो यह कंप्लीट और फिनिश उन दोनों का मीनिंग होता है पूरा होना, तो उसके ऊपर हम सर्कल करते हैं। फिर क्या है, स्मॉल यानी कि छोटा, थीन यानी कि पतला और लिटल का मीन्स भी छोटा। तो ये स्मॉल और लिटल जो वर्ड है उनके मीनिंग सेम है, मतलब कि छोटा, तो लिटल और स्मॉल के ऊपर हम सर्कल करेंगे।
सिक मीन्स बीमार, इल का मतलब भी बीमार होना होते, और स्टाउट का मतलब चलना। तो सिक और इल ये दोनों वर्ड का मीनिंग सेम है, यानी कि बीमार होना। तो उसके ऊपर सर्कल भी लास्ट वन, बिग मतलब बड़ा, लार्ज मतलब भी बड़ा, और फैट मतलब मोटा। तो लार्ज और बिग ये दोनों का मतलब सेम है, तो उसके ऊपर सर्कल बराबर। चलो अभी नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है देखते हैं। द वेब वर्ड, वेन यू हियर विंटर एंड समर, जब आपको विंटर और समर का नाम सुनाई देता है, वॉट आर द वर्ड्स दैट कम टू योर माइंड, कौन से वर्ड आपके माइंड में आते हैं कि विंटर में क्या होगा, समर में जब आप नाम सुनोगे तो क्या ये आपके माइंड में आएगा। राइट दिस वर्ड्स इन द बबल्स, ये विंटर और समर का नाम जब भी हम सुने तो हमें क्या याद आता है, वो हमें यहाँ बबल्स में लिखना है। तो विंटर में क्या पहनते हैं हम, स्वेटर, SWATER स्वेटर। फिर क्या पहनते हैं, स्कार्फ, स्कार्फ भी पहनते हैं ना, तो स्कार्फ, स्कार्फ तो यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सॉक्स, SOCKS सॉक्स बराबर। फिर सूप पीते हैं ना गरम गरम सूप, और क्या चलाते हैं विंटर में, हीटर चलाते हैं हम लोग बराबर। चलो अभी समर का नाम सुनेंगे तो सबसे पहले क्या याद आएगा, कौन सा फ्रूट आता है, मैंगो बराबर, तो हम मैंगो खाएंगे। फिर क्या चलाएंगे, बहुत गर्मी लगेगी तो एसी चलाएंगे ना बराबर। फिर क्या याद आएगा, विंटर में और हम कोल्ड ड्रिंक्स भी पीते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक्स, और क्या करते हैं, फैन चलाते हैं हम, फैन चलाते हैं ना, तो बराबर। जब विंटर का नाम सुने हम तो हमको स्वेटर, सॉक्स, हीटर, सूप और स्कार्फ याद आता है, वही चीजें हमारे माइंड में आती है। और जब समर का नाम सुने तो फैन, मैंगो, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और एसी हमारे दिमाग में आता है बराबर ना। तो अभी एक लास्ट एक्टिविटी रही है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक बाय।